सूर्या में झाड़ीखेड़ी के ग्रामीण सरपंच को बर्खास्त करने की मांग को लेकर एडीएम कार्यालय का घेराव किया गया है। ग्रामीणों ने बताया है कि पुलिया निर्माण, फर्जी हाजिरी, स्कूली बच्चे के नाम से हाजिरी जैसे अनेक मामलों की शिकायत कई बार सीओ, कलेक्टर और मंत्री से की जा चुकी है, लेकिन अब तक सरपंच पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कोर्ट में भी की थी, लेकिन कोर्ट ने एक माह में जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा था। इसके बाद भी कोई जांच नहीं हुई है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने एडीएम माफी चाहेंगे एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। वहीं ग्रामीणों ने न्याय न मिलने पर सामूहिक आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी। यहाँ पे 40 का धारा लगाना था भ्रष्टाचारी सरपंच के ऊपर, लेकिन सरपंच भ्रष्टाचारी किया है, लेकिन उसका अभी तक 40 का धारा नहीं लगाया, उसको बर्खास्त नहीं किया है, संतुष्ट नहीं है उसमें। मास्टर रोल जो जारी किया है ना सर, उसमें पूरा फर्जीवाड़ा है, उसके प्रति कुछ कहीं नहीं कर पा रहा है। 400 बीसी है, तीन वर्षों से चल रहा है सर, नहीं कर पाएंगे सर। हम लोग हार गए हैं, शासन से हार गए हैं। वो जो गलत कर रहा है सरपंच, जो गलत कर रहा है उसी को जीत घोषित कर रहा है। वो करने दो उसको, शासन को, शासन प्रशासन को, हम लोग अपने हार गए। एसडीएम साहब के जो आदेश है 14/10/2024 को उन्होंने ऑर्डर किया है, इसमें लगभग 18,60,000 राशि की वसूली के संबंध में उन्होंने डिसीजन दिया है। और यहाँ के ग्रामवासी झाड़ीखेड़ी के कल रात से एसडीएम कार्यालय में यहाँ पर धरना दे रहे थे, और आज कलेक्टर साहब के निर्देश पर मैं यहाँ उपस्थित होकर के ग्रामवासियों को समझाइश दिया हूँ कि मामला जो ऑर्डर हुआ है, इस मामले में सरपंच के खिलाफ में जो ऑर्डर हुआ है एसडीएम कार्यालय में, उस ऑर्डर के खिलाफ में आगे कलेक्टर न्यायालय में अपील किया जा सकता है।